हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, गली बिल्कुल खाली सन्नाटा सा है। तो आइए मैं आपको आज एक आलू और पटल का सब्जी बनाने को दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। ये रहा मेरा आलू और पटल। मैंने इसे पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं इसे अच्छे से कटिंग कर लूँगी, दोनों आलू और पटल के छोटे छोटे पीसेस में। कटिंग करने के बाद बाकी जो मेरा रखा हुआ टमाटर और प्याज को भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब रहा इंडक्शन, मेरा इंडक्शन बिल्कुल रेडी है। मैं इस पर कढ़ाई रख चुकी हूँ, बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लूँगी। आपके अनुसार आप जो तेल पसंद करते हो वो तेल आप डाल सकते हो, चाहे रिफाइंड ऑयल या तो फिर सरसों का तेल। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज कटिंग किया है, उस प्याज और मिर्ची को मैं इसमें डाल दूंगी। ये थोड़ा लाल होने के पर इसे अच्छे से चला लेना। चलाने के बाद प्याज और मिर्ची को चलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज मिर्ची जल ना जाए। और मैंने जो कटिंग करके रखा है आलू और पटल, उसे इसमें डालने के बाद अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत कलर है। अब इस पर मैं थोड़ा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, आपको जितना पसंद हो। आप थोड़ा कम ही यूज़ करें तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये रहा मैंने हल्दी डाला इस पर। अब मैं किचन किंग मसाला यूज़ करूंगी जो सब्ज़ी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी देता है। इसके बाद मैं इस पर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर अब मैं इसमें यूज़ करूँगी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आप इसमें कटिंग किया हुआ टमाटर डाल दें और थोड़ी देर के लिए इसे ढककर छोड़ दें। जब ये थोड़ा फ्राई होने लगे तो आप जितना ज़रूरत हो आप एक पानी डाल सकते हो। मैं एक गिलास पानी डाली हूँ, आपको जितना ज़रूरत है थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे चलाते रहें। देखिए कितना खूबसूरत कलर दिख रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अब हमारा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका, आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।